बरेली मेयर डॉक्टर उमेश गौतम द्वारा कुर्मी समाज पर गलत टिप्पणी करने को लेकर प्रदेश भारत में चर्चाओं का माहौल गर्म है। आपको बता दें, कुर्मी समाज पर टिप्पणी करने के बाद बरेली मंडल में कई लोकसभा सीट को प्रभावित हो सकती है। 8 बार के सांसद संतोष गंगवार का टिकट काटने के बाद उपचा असंतोष नगर परिसर में हुए ब्राह्मण समाज की बैठक के बाद खुलकर सामने आ गया। सोमवार को भारत सेवा ट्रस्ट पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी को मौजूदगी में संतोष गंगवार के समर्थकों ने जमकर हंगामा किया। उन्होंने मांग उठाई कि महापौर का इस्तीफा ले या संतोष को टिकट मिलने की स्थिति में ही कुर्मी समाज भाजपा को चुनाव लड़ाएगा। अध्यक्ष के जाने के बाद भी वे नारेबाजी करते रहे। रविवार को बरेली लोकसभा सीट से पार्टी के प्रत्याशी छत्रपाल गंगवार के समर्थन में ब्राह्मण समाज की बैठक नगर निगम परिसर में बुलाई गई थी। आयोजक के रूप में महापौर उमेश गौतम समेत ब्राह्मण समाज से जुड़े वरिष्ठ नेताओं ने इनमें विचार रखे थे। अब एक ऑडियो क्लिप वायरल हो रही है, जिसे इस बैठक में महापौर का संबोधन बताया जा रहा है। इसी को लेकर सांसद संतोष गंगवार के समर्थक भड़के हुए हैं। इस वीडियो में देखकर आप समझ जाएंगे कि कुर्मी समाज पर टिप्पणी करने को लेकर पूरे जनपद में माहौल गर्म है। रिपोर्टर देवेंद्र पटेल की रिपोर्ट। हम आप देश कुमार सिंह, क्या नाम है आपका? आप देश कुमार सिंह, क्या मांग है आपको? हमारी मांग कुछ नहीं है। हमारे माननीय संतोष गंगवार जी, जब से टिकट का घोषणा हुई है, माननीय छत्रपाल जी के चुनाव में भरपूर प्रयास कर रहे थे, उनके सारे कार्यालयों के उद्घाटन कर रहे थे, उसके बावजूद भी एक कल जो है ब्राह्मण समाज की जो बैठक हुई, उसमें माननीय महापौर जी ने जो अपशब्द उनके लिए बोले हैं, इसके लिए हम उनका इस्तीफा चाहते हैं और इसके अलावा कुछ नहीं चाहते। आप बताइए, आपको तो मालूम है। क्या नाम है आपका? ब्रजेश गंगवार। क्या मांग चाहते हैं आप लोग? क्या मांग? हम ये चाहते हैं महापौर माफी मांगे और इस्तीफा दें। उन्होंने कहा था कि संतोष गंगवार को पटक गए हम, अगर उनकी क्षमता हो तो हमसे हाथ मिला लें या हमारे बेटे से हाथ मिला लें। आप तो चुनाव का बहिष्कार करेंगे? पूरा कुर्मी समाज क्या करें? पूरा बिल्कुल सपा को लांगे हम। संतोष जी भी कितना भी गए, पूरा समाज जिंदा सभा। हाँ, जिंदा सभा लड़ाई जाएगा। क्या नाम है? चलेगी साइकिल, उड़ेगी धूल और सब लोग जाएंगे भूल। किसे? फूल को। क्योंकि संतोष जी की बेइज्जती इस कुर्मी समाज और बरेली क्षेत्र की बेइज्जती है, जिसने 50 साल इस शहर को संभाला, मतलब 50 या 40 साल इस शहर को संभाला और देखा, उसके साथ ये नेता क्या कर रहे हैं? 4-4-5 साल के जिन्हें बनाया गया, उनका विरोध गलत बात। ये हमारे अजीत नेता है और संतोष जी का विरोध, यानी कि जिंदा जिंदा कुर्मी समाज का विरोध। कुर्मी समाज में फूट डालने की कोशिश कर रहे हैं। जो संतोष जी का टिकट होना था वो उनका हो गया, लेकिन उसके बाद में उन्हें न लड़ा के कुर्मी समाज की बुराई करना है। ये लोग तो इस तरह सीट नहीं जीत सकती। आप लोग किसी सपा को लड़ाएंगे? फिर किसी दूसरी पार्टी को लड़ाएंगे। वैसे तो हम लोग बीजेपी के हैं, लेकिन मजबूरन किसी ना किसी पे जाना पड़ेगा। कुर्मी बहुत 4 लाख वोट कुर्मी का है। संतोष गंगवार जो है माननीय आपका क्या नाम है? माननीय पाठक है। मैं जनेउधारी ब्राह्मण हूँ, खजुरिया जिले। भाई अब बोलना, अब यही बात है। मैं हितेश पाठक, जनेउधारी ब्राह्मण, खजुरिया जिले फुकार में मेरी पैदाइश है। मेरी 7 पुश्ते वहाँ की रहने वाली है। मैं अपना एड्रेस दे रहा हूँ। उमेश गौतम बताएं ये कहाँ के ब्राह्मण है? ये ब्राह्मण नहीं है, ये ब्राह्मणों को बलगराने का काम कर रहे हैं। कुर्मी समाज और ब्राह्मण समाज में यहाँ दूरी पैदा करा रहे हैं और ये इसका विरोध इन्हें झेलना पड़ेगा और ये बहुत ही झूठ फैलाने का काम कर रहे हैं। ये बताएं ये ब्राह्मण कहाँ के? मैं जनौधारी ब्राह्मण हूँ और चैलेंज करता हूँ, ये ब्राह्मण नहीं है, ये फर्जी काम कर रहे हैं। ये ब्राह्मणों को बलगराने का काम कर रहे हैं। ये कुर्मी समाज में हमारे भाइयों में और ब्राह्मणों में लड़ाई कराने का काम कर रहे हैं। ये तो पता नहीं है कौन, ये तो चले जाएंगे। ये कुर्मी बहुल क्षेत्र है और ब्राह्मण यहाँ इनकी संरक्षण में फलता फूलता आया है, लेकिन अब जब इस तरीके की दूरी पैदा हो जाएगी तो ब्राह्मणों के साथ क्या होगा? ब्राह्मणों के साथ अगर अत्याचार हुआ तो इसका जवाब दे उमेश गौतम करेंगे क्या? उमेश गौतम ने आज तक मुझे कहा कि मैं ब्राह्मणों का नेता हूँ, मैं ब्राह्मणों का भाई हूँ। कब कहा उसने कब कहा कि मैं ब्राह्मणों का भाई हूँ, या मैं ब्राह्मण हूँ, या मैं ब्राह्मणों का नेता हूँ? कब कहा उसने? माननीय केंद्रीय मंत्री जितेंद्र कुमार गंगवार, माननीय केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार सर्व समाज सबके नेता हैं। उन्होंने आज तक कोई ऐसी वो लाल के अडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी के जमाने के नेता हैं। मेरी उम्र 70 साल की हो गई
मैं दीपक चुनाव निशान था तब से जिस भाजपा को लड़ा रहा हूँ। आज ऐसा मैंने जो है माहौल आज तक अपनी जिंदगी में नहीं देखा जो जातिवादी का माहौल उमेश गौतम ने फैलाया। ये गलत है, उमेश गौतम का इस्तीफा लेना चाहिए। हम समाज पूरा कुर्मी उनका विरोध करेंगे, हम चुनाव का विरोध करेंगे। हम यही कहना चाहते हैं और ज्यादा कुछ नहीं कहना।